अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोबारा से उसी जगह से व्लॉग शुरू हो रहा है। आज का व्लॉग बड़ा ही सिंपल सा होगा क्योंकि आज जा रहा हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, और ग्रोसरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि क्या प्राइस होती है क्या नहीं। तो अभी चलते हैं ग्रोसरी लेते हैं और आपको मैं प्राइजेज़ वगैरह बताता हूँ। अच्छा, अभी इतना सारा सामान ही लिया, थोड़ा सा लिया, ज़्यादा मैं शूट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लोग हैं तो बुरा लगता है। बाकी मैं चीज़ें वगैरह ले लेता हूँ तो फिर मैं घर जाके दिखाता हूँ एक बार। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है वो ये चीज़ होती है लोबिया। मैं ज़्यादा ही खाता हूँ क्योंकि प्रोटीन्स का प्रोटीन्स और जल्दी से जल्दी बन जाता है, और बाकी सारी दालें वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वही बात है, वो उनको बनाने का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन बाकी लोबिया जो होता है बना बनाया होता है, उसको आपने इस तरह मसाला डालो एंड यू आर गुड टू गो। ये पास्ता भी मिल जाता है आपको इस तरह, और इसमें दो तीन फ्लेवर्स हैं, दिस वन और दिस वन। तो अभी घर जाके देखते हैं। ये सेक्शन ऐसा होता है यहाँ पे आके खुद बंदा बच्चा बन जाता है, लेकिन अब बड़े हो गए हम नहीं पता कर सकते। अच्छा, यहाँ पे सीरियल्स वाला भी सीन है, तो सीरियल्स वगैरह आप ले सकते हो, वो भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन मैं नाश्ता वगैरह मैं आप खा सकते हो, लेकिन मैं मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मेरे लिए ब्रेड ही ठीक है सुबह के टाइम। अगर देखा जाए तो जूस काफ़ी लाजमी होते हैं, वो इसलिए क्योंकि पानी वगैरह की वैसे ही कमी होती है, और जूस बोतल में डालो, वो पानी डालो उसमें और आराम से पियो सारा दिन, अगर आपसे खाली पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि यहाँ पे वो डिहाइड्रेशन। अच्छा, चीज़ें डन, बाकी अब घर जाता हूँ, घर जाकर दिखाता हूँ कि सामान ज़्यादा है। अच्छा जी, तो ये है सामान। टोटल जो मेरा इस पर खर्चा आया वो तकरीबन 140 रिंगिट है, और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा है सामान। अभी इसको मैं करता हूँ, सेट करता हूँ, तो फिर आपसे डिटेल बात करता हूँ। ओके जी, केले सबसे मस्त, ये तकरीबन है 8 रिंगिट के। तो नॉर्मल आप ये कह सकते हो कि 5 मोर देन इनफ होता है। लोबिया जिसका बता रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 6 तकरीबन मैं लेके आया, क्योंकि इसमें एक बड़ा भी होता है, लेकिन ये वाला जो होता है ना छोटा, एक बंदे के लिए काफ़ी होता है। और ये 2 गिलास मिले हैं यार, वाह वाह जी वाह। वो इसलिए मिले क्योंकि जूस की बॉटल ली है मैंने, जूस ये होता है वो जैसे जामिश्री नहीं होता हमारे, वैसे इसी ही होता है इस तरह के, इसमें पानी डाल दो उसको देता है स्पॉन्सर नहीं है यार। तो ये होता है, इसके बाद आ गया जी ब्रेड, हमारे अंडे, ब्रेड भी अंदर जाएगी, ये भी अंदर जाएगा, अंडे, अंडे की, अंडों की काफ़ी ऑप्शन होती हैं, लाइक ऑप्शन होते हैं, इनमें ग्रेड होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। जो ग्रेड ए होता है वो सबसे अच्छा होता है, जो ग्रेड बी होता है वो लाइक क्या कह लो, टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, और सी में भी यही सीन होता है, वो थोड़े ज़्यादा साफ नहीं होते, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। नगेट्स, वेजेस, पहले इनको हम रखते हैं फ्रीजर के अंदर। ये मीट बॉल्स ये लेके आए, ट्राई करते हैं कि क्या सीन है। ये चीज़ें, ये ब्रेड,
ये केले, ये अंदर जाएंगे क्योंकि मैं रूम में रखता हूँ ये वाली चीज़ें। ये पास्ता है, ये मैगी की तरह होता है, बड़ा ईजी होता है, उसमें पानी डालो और बन जाते हैं, अच्छे फ्लेवर्स हैं। बाकी ये मेरा एयर फ्रायर है, सबसे मेरा प्यारा प्यारी चीज़। और बाकी ये स्नैक्स हैं बस, थोड़े से ये चॉकलेट हो गई, ये वॉफल्स हैं, सब मेरे सबसे फेवरेट है। सुबह सुबह जब नहीं दिल करता कुछ ज़्यादा हैवी खाने को तब ये खा लूँ। अच्छा, तो ये जो मेरा सारा जो सामान है ये तकरीबन तकरीबन अब चलेगा 2 वीक्स, 2 वीक्स तक ये आराम से चलेगा, क्योंकि एग्स हैं, नगेट्स वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं। तो अभी मेरा जो ख़र्चा है तकरीबन है 140 रिंगिट, तो 140 मेक इट 150, ठीक है, 150 और 150। अगर आप महीने का, अगर आपका 300 अगर टोटल है, 300 रिंगिट है, तो घर वो घर पे आप कर रहे हो तो और मोर देन इनफ है। बाकी डिटेल मैं भी सामान से सेट कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये नीचे वाली अलमारी है, दूसरे रूम की है, ये मेरी अलमारी है ऊपर। अब ये सारा जो सामान है मैंने ऊपर शिफ्ट करना है, तो पहले मैं कर लूँ तो फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि इस तरह मैं कर नहीं सकता। अच्छा, अलमारी जो है आपको जिस तरह लग रही है, ये ऊपर ये वाला सारा पोर्शन है जो ऊपर वाला, ये सारा मेरा। और अभी ये बंद करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। बड़ी गर्मी हो रही है अंदर। एयर फ्रायर, एयर फ्रायर का सीन ये है कि सबसे बेस्ट चीज़ कि कोई आप ऑयल यूज़ करना नहीं पड़ता, कोई वो तलने छलने वाला मसला नहीं है, सबसे इजी सीन है। आपने इसमें नगेट्स, फ्राइज़, इवन के जो फ्राइड चिकन होता है वो भी, कुछ भी है डाला। 15 मिनट, ये टाइमर, ये जो है इसके टाइमर वगैरह है, ठीक है, टाइमर के हिसाब से आपने उसको चलाया, फिर 20-25 मिनट जितनी देर की भी लगाया बस भूल जाओ, वापस आओगे निकालो और आराम से खाओ, ना कोई ऑयल वगैरह खर गंदा होने का टेंशन, ना कुछ। ऑयल वगैरह सिर्फ मैंने इसे रखा क्योंकि जब मैं ऑमलेट वगैरह बनाता हूँ तो सिर्फ उसी के लिए होता है, उसके अलावा ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो एक तो किस्म का हेल्दी भी होता है, जाहिर बात है प्रोसेस फूड है यार, लेकिन फिर भी ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पेट तो वैसे ही निकला है। उस पर भी ध्यान दूँगा, ध्यान ऑयल के स्टार्ट कर दिया वो मैंने, वो भी करना, तो दोबारा ज़रा शेप में आते हैं। और अभी अंदर चलते हैं, गर्मी बहुत है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि ग्रॉसरी वगैरह क्या सीन है, क्या जो भी था आपने देखी ली। ज़्यादा मैंने शूट नहीं कर सका क्योंकि लोग थोड़ा सा यहाँ पे मनाते हैं बुरा, अगर कोई आप उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है वो भी तो। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो टोटल जो खर्चा होता है वो कितना होता है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पे रेंटल का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अब मैं अगर अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरा हो गया जी 650, ठीक है, 650 मेरा रेंट हो गया। उसके बाद अगर 150 मैंने अभी लिया है, ये मेरा 15 डेज आराम से चलेगा ये जितना भी है। और उसमें बस ये होता है कि मैं ब्रेड 2-3 दिन बाद लानी पड़ती है, ब्रेड भी 240 या 3 मैक्सिमम 3 रिंगिट की होती है, तो वो भी नहीं है इतना, तो इसलिए मैंने 150 किया, ठीक है। तो 150 कितना होगा, 300 हो गया, 300 और 650, 6, 7, 8, 9, 950, ठीक है, 950 मेरा एक महीने ग्रॉसरी 2 टाइम 15 डेज की, और मेरा रेंट, तो टोटल कितना हो गया 950, ठीक है। अब मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है, मैं वो 1000 रिंगिट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो ये दो चीज़ें सिर्फ बेसिक्स हैं, बेसिक है आपकी, ठीक है, इसमें भी और बाहर जाना ये चीज़ें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इस चीज़ से आपको आइडिया हो सकता है। हाँ, अगर आपका रूम सस्ता है, तकरीबन आपका 300 तक रूम है, 300 आपका खाने का होगा, तो आराम से आपका 400 आपके पास फिर भी बचता है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट है आपके पास कि आप रूम अगर आपके पास सस्ता है तो ग्रोसरी में आपको जब आप इंक्लूड करो तो आपको 1000 रिंगिट में भी बच जाते हैं पैसे। तो लोकेशन वगैरह बात होती है, मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये जगह चाहिए थी, तो इस वजह से। एंड मजबूरी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मजबूरी ये है कि अब मेरी जो यूनिवर्सिटी है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हुई है, तो क्लासेस तो वैसे ऑनलाइन होती है, तो मेरी ट्रैवलिंग नहीं होती ज़्यादा। ये जगह मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये जगह एक सेंट्रल लोकेशन है, और यहाँ से जो ट्रेन स्टेशन है वो बिल्कुल लाइक आपने पिछली वीडियोज़ में देखा बहुत सामने ही है बिल्कुल। तो मैंने अब जिस तरह जॉब्स वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ, तो मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाना होता है, तो सबसे कन्वीनियंट पड़ता है मुझे ये, क्योंकि अगर मैं किसी दूर जगह पर सस्ती जगह पर लूँगा घर अपना
और जब मैं किसी उसमें जाऊंगा इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो आने जाने का मेरा किराया का खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही बन जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं किधर टॉपिक टॉपिक पे चला गया हूँ यार। मैं बेसिकली यही है कि ग्रोसरी आपकी 300 मेरे लिहाज से, अगर आपने और चीज़ें ऑर्डर कर, अगर आप वेजिटेबल्स डालते हो लाते हो, चिकन मिलता है ठीक है, चिकन अगर आप लाते हो तो हम वही बात है कि करने का तो बहुत कुछ है, आप रोटी भी घर में बना सकते हो, लेकिन वही बात है टाइम की बात होती है। टाइम तो जाहिर बात है लगाना पड़ता है, फिर आपने किसी चिकन वगैरह सारा बनाना हो, तो वो इतना मैं करता नहीं हूँ क्योंकि ये तो मुझे बहुत कम चीज़ें आती हैं बनानी। टू बी ऑनेस्ट मैं क्यों बोलूँ, मुझे बहुत कुछ आता बनाना, मुझे नहीं आता ज़्यादा कुछ बनाने, लेकिन जो आता है वो मैं कभी कभी बनाता हूँ, जब बस काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम हो, दिल करे कि नहीं आज कुछ डिफरेंट खाना, तो फिर आप वो उस तरह बना सकते हो। एंड ये सीन है, ग्रोसरी इतनी की होती है। अगर आप इसमें चिकन वगैरह अगर लाप लाओ, उनके वहाँ पे फ्रेश चिकन भी होता है, लाइक वो काट के जो उन्होंने रखा होता है उसमें से आप अपनी मर्जी के पीसेस करवा लो, या प्रोसेस या वो पैक में ऑलरेडी बंद होता है चिकन, वो भी बना होता है, पीसेस वगैरह कट हुए होते हैं। हमारे वो पाकिस्तान में वो कैनन्स वगैरह वो होती थी, वो जो चीज़ें होती थी उसी तरह यहाँ पर मिल जाती हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी आप किस कितना कंज्यूम करते हो। अब मैं जो हूँ, मैं दिन में 2 दफ़ा खाता हूँ, एक मेरा दोपहर का, लाइक सुबह का और दोपहर का ब्रंच एक किस्म का वो होता है, और एक डिनर होता है, दो दो टाइम, और मोर देन इनफ होता है। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया, अगर आप 3 टाइम खाते हो तो उसमें ज़ाहिर बात है आप इनको अपने अकॉर्डिंगली आप इंक्लूड कर लो, और सब्ज़ी वगैरह लेके आओगे तो वो चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आप मैंने अपना आपको बता दिया, तो इससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ग्रोसरी जो है कॉस्ट करती है आपको। अकोमोडेशन का भी आपको पता लग, ग्रोसरी का भी पता लग गया, बाकी जो ट्रैवलिंग वगैरह का है उसका भी मैं कुछ, वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं वो ट्रैवलिंग वगैरह के लिए बना दूँ, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाए। आपके मेन चीज़ें ही होती हैं 3, अकोमोडेशन, आपका फूड और आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस होते हैं वो। तो या दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज़, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं या कोई आपने न्यू टॉपिक मुझे सजेस्ट करना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक भी आप मुझे बता सकते हो। फेसबुक मेरा पेज है, वो लिंक नीचे है। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन यू कैन सपोर्ट मी ऑन पैट्रियन एज वेल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।